यह एक 4 GB का स्टैंडर्ड स्मार्टफोन है। जो बॉक्स है वो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी फैंसी नहीं है। नीचे बीच में MI का जो लोगो है और अपर में जो है वो फ़ोन के इंटरनल स्पेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। 4 GB रैम और 64 GB रोम है। अगर हम फ़ोन के बैक के बारे में बात करें, अगर हम बात करें तो सम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्मार्टफोन दिया हुआ है इसमें। इसमें 5.5 इंच का डिस्प्ले है, फुल एचडी डिस्प्ले है एंड स्नैपड्रैगन 625 है। और इसमें 12+12 MP के 2 कैमरे जो MI 6 में इन्होंने यूज किए थे। वी हैव फोन इटसेल्फ एंड लेट्स चेक आउट इस अंडर द बॉक्स व्हाट दे प्रोवाइड। सबसे पहले इसमें सिम इजेक्टर दिया है इन्होंने। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है और उसमें इन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया है। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। इसमें एक USB-C केबल है और देखते हैं और क्या है इसके अंदर। और ये चार्जर है और ये एक आई थिंक एक नॉर्मल चार्जर है। चलिए स्मार्टफोन पे एक नज़र डालते हैं। ये शाओमी का स्मार्टफोन है जो इन्होंने ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। मेरे पास जो है वो गोल्ड कलर का स्मार्टफोन है जिसमें 4 GB रैम है, 64 GB रोम है। चलिए इसको प्रोटेक्टिव कवर जो है वो उतार देते हैं बैक और फ्रंट में। एंड चलिए इसके जो फ्रंट पे कैपेसिटिव की यूज कर, अभी भी ऑन स्क्रीन की इन्होंने यूज नहीं किया है। और चलिए इसके बैक में देखते हैं इसमें क्या क्या है। वी हैव ए फिंगरप्रिंट सेंसर और ड्यूल कैमरा सेटअप है जो इन्होंने MI 6 जैसा ही लिया है। 12+12 MP का कैमरा है और ड्यूल टोन फ्लैश लाइट है और MI का लोगो जो है वो बैक में है। एंड कंपनी इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने जो इन्होंने कहाँ बनाया, वेरी नाइस। एक्चुअली इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, वो जो iPhone 7 Plus से जो मेल खा रहा है। साइड में वॉल्यूम लॉकर की है और उसके नीचे पावर बटन इन्होंने दिया हुआ है। और अदर साइड में जैसे कि आप जानते हो कि सिम ट्रे है और बॉटम में इन्होंने ऑडियो जैक दिया है जो कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। USB टाइप सी अडेप्टर है और स्पीकर इन्होंने दिया है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इसके रिव्यू के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।